sorry, I think I missed out few questions. How are you guys? First of all, congratulations for your HSC board exam ka results. Most of you are passing, I know. जो भी बच्चे फेल हो रहे हैं, मैंने बताया कि एक दो पेपर है, तो प्लीज सप्लीमेंट्री एग्जाम दे दो, सॉर्ट हो जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी. यस, मुंबई यूनिवर्सिटी का ओपन हो गया है फॉर्म. HSNC यूनिवर्सिटी का मैंने अभी डाला है. सो KC और HR कॉलेज के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, प्लीज गो. होमी बाबा यूनिवर्सिटी, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर सिडनम कॉलेज एंड एल्फेस्टन कॉलेज, उनका भी चालू हो गया. नो बडी इज टेकिंग एंट्रेंस एग्जाम. सो येस, इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर हुए लाइक कि कौन से कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले रहे हैं. सो लेट्स फोकस ऑन जितने ले रहे हैं, वो चार ही कॉलेजेस हैं. NM, Mitibai, Xavier and Jai Hind, these are the only four colleges which are taking entrance exam in Mumbai. And yes, Sophia's jiska entrance ho chuka hai, toh wo chhod do. Okay, and rest of the colleges have not announced any entrance exam, so there is no entrance exam for these colleges. Okay, I will start taking the question. Shivam Prajapati, is BSc IT available in both colleges? Which both colleges? Okay, Shivam wapas se question bheja hai, kaun sa college pooch raha hai. मुस्कान सैयद, हेलो मैम, प्लीज सजेस्ट टॉप थ्री कॉलेजेस फॉर BFM. ऑल्सो इज HRKC गुड फॉर BM? ओके, BFM एज आर एडमिशन हैज स्टार्टेड, शुड आई एनरोल? मुस्कान, यू गॉट 91.33%. यार प्लीज अप्लाई कर, HR इज अ वेरी गुड कॉलेज फॉर BFM. आई वुड नॉट से कि KC बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तो टॉप थ्री में HR प्लीज अप्लाई. एंड अगर आपने मिनसेट वगैरह दिया है तो आप उसके लिए वेट कर सकते हो. अदरवाइज विदाउट एंट्रेंस यू कैन गो फॉर पोदार, यू कैन गो फॉर HR. एंड BFM की टॉप 10 कॉलेज की लिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, प्लीज गो एंड चेक. मुस्कान कॉन्ग्रेचुलेशन. वैष्णवी हाय. ओके, चैतन्य राव हाय. शिवम प्रजापति, अरे आपका क्वेश्चन प्लीज कौन से दो कॉलेज के नाम लिख शिवम पहले तो. मैम, इज HSNC यूनिवर्सिटी गुड? डज इट गिव द सेम डिग्री? किरण बेंडे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, HSNC यूनिवर्सिटी इज रियली गुड. यू कैन गो अहेड विद दैट. मुंबई यूनिवर्सिटी की तरह ओल्डेस्ट नहीं है, बट इट इज़ वन ऑफ द ओल्ड यूनिवर्सिटी एंड रियली वेरी वेल रिकग्नाइज बाई UGC. नाउ यू वुड से कि मैम इसके बारे में इतना तारीफ क्यों करती है. द रीजन बींग इज कि देयर एजुकेशन क्वालिटी इज रियली गुड. एंड आई हैव मेड अ वीडियो कंपेयरिंग MU एंड HSNC. अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर रीशेयर कर देती हूँ, प्लीज देख लो. दोनों की वैल्यू सेम है, दे बोथ आर वेरी वेल रेप्यूटेड. होमी बाबा यूनिवर्सिटी में आता है सिडनम कॉलेज एंड योर एल्फिस्टन कॉलेज. बोथ द कॉलेजेस आर गुड. अगेन, यूनिवर्सिटी भी काफ़ी ओल्ड है और अच्छी यूनिवर्सिटी है. सिडनम कॉलेज का गाइज रिव्यू थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है ये बार, तो प्लीज़ सोच समझ के लेना. BMS के लिए स्टूडेंट्स वाला है कि मैम थोड़ा सा मैनेजमेंट इशू है एंड हमें टाइम टेबल टाइम पे नहीं मिलता है, एग्जाम्स में प्रॉब्लम है, तो येस, ऑल द कॉलेजेस आर यू नो थोड़ा गड़बड़ पे चल रहे हैं. वैष्णवी, आपको वैष्णवी, ओके, 55% है, तो जय हिंद का एंट्रेंस के लिए मैक्सिमम कितने मार्क्स लगेंगे? वैष्णवी, आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू, बट 55% में आपको जय हिंद कॉलेज में मिलना बहुत मुश्किल है. एंड लेट मी टेल यू, प्लीज ट्राई अदर कॉलेज, बिकॉज अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में 90 भी लाओगे ना, 100 में से समझ लो, आपका 55% की वजह से रह जाएगा. द रीजन इज 50-50% चल रहा है, लाइक आपके 12th के 50% एंड योर योर एंट्रेंस के 50%. मिनसेट के लिए आप ट्राई कर सकते हो. Mitibai के लिए वैष्णवी, वहां पे आपकी 12वीं के मार्क्स नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज Mitibai में ट्राई कर. बट जय हिंद आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप करो, बिकॉज इट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम मनी विच इज 1000 or 1500 rupees. वेदांत काले, HR और जय हिंद फॉर BMS? आई वुड से BMS के लिए पहले HR एंड जैन जय हिंद, लाइक यू नो प्रायोरिटी वाइज आई वुड सजेस्ट दैट, बट इट्स ऑन यू अगेन. अकॉर्डिंग टू द रिव्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आई एम सेइंग दिस. ओके, समवन पेड 19.98 rupees ऑन सुपर चैट. गाइज आई एम रियली सॉरी, अगर 100 के ऊपर डालोगे तो ही आपका कॉमेंट हाईलाइट होगा. सो या आई मीन इफ यू वॉन्ट मी टू नोटिस योर पर्टिकुलर कॉमेंट, सो यू विल हैव टू पे मोर देन 100 फॉर ऑन द सुपर चैट टू यू नो मेरे को हाईलाइट होके दिखने के लिए. बट आपने जिसने भी पे किया प्लीज लिख दो, लाइक यू नो हु हैव पेड ऑन द सुपर चैट. आई विल ट्राई, इफ आई गेट योर कमेंट आई विल रिप्लाई. अनिकेत, आई एम फ्रॉम तेलंगाना बोर्ड. इन माय स्टेट बोर्ड मार्कशीट दे कंसीडर्ड 11th एंड 12th मार्क्स एज इम्पॉर्टेंट, एंड सो दे गिव बोथ 11th एंड 12th इन MU फॉर्म. शुड आई फिल ओनली 12th?
ओके अनिकेत, लेट मी टेल यू, ये जो भी मुंबई यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, प्लीज बेस्ट ऑफ फाइव मत भरो और 11, 12 का मत भरो. मुंबई यूनिवर्सिटी में क्लियर है कि आपको आपका 12th का ही मार्क्स, मतलब यू नो 12th में आपको जितना मिला है कंप्लीट परसेंटेज उतना ही भरना है. सो प्लीज अनिकेत, डोंट फिल 11, 12th का फॉर्म. हाँ प्लीज ओनली फिल लाइक 12th का फॉर्म. आई हैव स्कोर्ड 64, कैन आई गेट MMK College for BAF RSS? Okay, you can try. I'm not sure, but you can surely try. Hi Avni, how are you? Okay, let me just check which is... Okay, somebody paid, I think, 200 or 100 rupees. I'll just check if your comment highlights. I'll just answer that first. Jen, can you help me please with the highlighted comment? I got 72.50. Will I get admission in KC for BA? Vidisha, yes, there are high chances KC में आपको मिल सकता है. And the reason is क्योंकि BA के लिए इतनी ज़्यादा fight नहीं है percentage के, and KC is like good college for BA. मतलब I would not say one of the best, but yeah, good college. Without entrance BMS, top college please. Okay, AK Gaming, I would say HR college is really good. पोदार नहीं ले रहा है तो पोदार यू कैन ट्राई. सिडनम का, एज आई सेड, रिव्यू थोड़ा इधर उधर हो गया है, सो थोड़ा सा गड़बड़ इज देयर. एंड देन कम्स SIS साइन, LS रहेजा, लाला लाजपत राय, ये सारे ही अच्छे कॉलेज है. इवन रुया इज रियली गुड. ओके सो अनिकेत, ओके यू ओनली पेड 200, थैंक यू सो मच गाइज, इट्स रियली हेल्पफुल दैट यू नो यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आर दिस थिंग, लाइक यू नो वट एवर वी आर ट्राइंग टू डू फॉर द टीम, द रिसर्च वर्क एंड एवरीथिंग. Thank you so much for that. And Aniket, thank you for paying on Super Chat. Nishant Chopra, HR and KC College for CBSE student. Nishant, as I said, HSC student ka aur CBSE board and ICSE board ka reserve seat hota hai. To abhi kya hua hai, HSC and other boards ka jinka result aa gaya hai, they have you know started the process. Aap logo ke liye shayad university baad mein wapas open karegi, because aapke result hi July mein aayenge. So you guys don't worry, you will get like equal chance jo ki aapka generally bhi hona tha for your admission. Nishant, so I'll keep you posted na, aapka CBSE ka jo naya funda of your ये भी आ रहा है, क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू से, इवैल्यूएशन प्रोसेस, उसके ऊपर भी आई एम गोना मेक अ वीडियो सून गाइस. चैनल पे वीडियो आ गया है इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन, सो इफ यू बिलोंग टू एनी ऑफ द माइनॉरिटी कोटा, कैथलिक, व्हाट डू यू से, सिंधी कोटा, गुजराती कोटा, सो ऑल दिस टॉप कॉलेजेस गिव यू माइनॉरिटी कोटा. ये मुझे लास्ट ईयर काउंसलिंग के दौरान पता चला था. वन ऑफ यू नो माई स्टूडेंट हू केम फॉर काउंसलिंग, ही सेड कि मैम हम, मैं दूसरे स्टेट से हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मुंबई में माइनॉरिटी कोटा या रिजर्वेशन कास्ट पे मिलती है. यस, मुंबई कॉलेजेस में कास्ट रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा चलता है, तो मैंने सोचा मैं आपको अवेयर कर दूँ, एंड यू नो यू शुड बी नोइंग दैट. SYTY admission need their college email to log in. So how outsider will apply? Outsider, okay. So whatever आपका जो ये नाम है like YouTube का, let me tell you, SYTY in-house के लोगों को log in चाहिए. अगर कोई भी college का, जैसे Wilson College का form for outsider open है, उसके लिए आपको log in नहीं चाहिए. So don't worry about that. Okay, somebody paid 50 on Super Chat. I'm just checking your, you know, chat and I'll reply you. As I'm saying, anyone who is, you know, making use of Super Chat on priority basis, I'll make sure that I reply your comment. The in pre-registration, there is no name of Mumbai University. I want for first preference for FT and MP. Chaitanya Rao, what we are doing is, we are trying to fill up the form, jo ki humne aaj process kar diya hai. Step by step process jo hai, ki kaise फॉर्म भरना है, आई टेल यू. एंड एफ टी एन एम पी कोर्स में आएगा, सो आई चेक दैट ऑल्सो. एंड चैतन्य, आई कीप यू पोस्टेड, आइदर आई मेक अ पोस्ट और समथिंग. तो बी एम एम में, जैसे ऑटोनोमस कॉलेज, हर कॉलेज की डेट अलग आ रही है. एक और बच्चे ने मेरे को बोला है कि रुया कॉलेज का लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट वो लोग दे रहे हैं 30th of June. सो मे बी ये सिर्फ एच एस सी वालों बच्चों के लिए होगा, सी बी एस ई के लिए अगेन डेट रिवाइज होगी. येस्टरडे वेन द फॉर्म स्टार्टेड, द लास्ट डेट वॉज 31st of August. Now it is showing 30th of you know July, I believe, or June. So please don't worry about that. That keeps on changing. You will get time till August for sure. Till
when the registrations are open for HSNC, Roshni Bajaj, till when I don't know, because उन्होंने last date नहीं दी है, उन्होंने सिर्फ बोला है कि registration has started. तो वो last date जब आ जाती है something, I'll you know tell you for sure. Okay, ma'am, should I fill the HSNC form for BA or KC college? BA for yes. So Vidisha, yes, go on HSNC, select KC college. Like आपको दो कॉलेज का ऑप्शन आता है, KC and HR. Select KC college और उसमें आपका BA. तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कल आ जाएगा गाइस कि HSNC पे कैसे फॉर्म भरना है. एंड आज शाम को, लाइक यू नो, एज यू नो दैट एवरी डे आई एम पुटिंग वीडियो अराउंड 8 o'clock और 9 o'clock, बट आई ट्राई कि आज थोड़ा जल्दी हो जाए. हाउ टू फिल इन मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर्म और आप कैसे प्रायोरिटी कॉलेजेस सिलेक्ट करोगे, उसका स्टेप बाय स्टेप पूरा हमने कर दिया है प्रोसेस. वीडियो एडिट हो रहा है और 8 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है. ओके, तो उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होगा, एज आई सेड, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन लाइव एंड लेट्स सॉर्ट इट आउट. एंड यू नो स्टूडेंट्स आल्सो आर सेंडिंग मी कि इतने परसेंटेज आए हैं, कौन से कॉलेज में करना है, उस पर भी आई एम मेकिंग वीडियोज परसेंटेज वाइज. ओके, सो एनी वेयर इफ यू हैव स्कोर 75 अबाउट, गाइस टॉप 10 में आराम से मिल जाएगा. प्लीज चिल मारो, डोंट गेट वर्कड अप एंड डोंट टेक एनी टेंशन. वेदांत उमा, आई गॉट 88%, विच कॉलेज कैन आई गेट इन फॉर BMM? वेदांत, तेरे पास आई थिंक यू हैव बीन ज्वाइनिंग माई लाइफ क्वाइट ऑफन, सो लेट मी टेल यू, भवंस इज देयर विच इज वेरी गुड एंड 88 इज अ वेरी गुड परसेंट. केसी तो ट्राई कर फॉर श्योर एंड देन यू हैव विदाउट एंट्रेंस. ओके गाइज, UPG इज ऑल्सो नॉट टेकिंग एनी एंट्रेंस एग्जाम. FTNMP गाइज, प्लीज गो एंड फिल UPG का अगर फॉर्म आ जाता है, विल कीप यू पोस्टेड. देर इज नो एंट्रेंस एग्जाम फॉर KC एंड UPG. वेदांत, अगेन बैक टू योर क्वेश्चन, KC कॉलेज देन विदाउट एंट्रेंस का मैं आपको बता रही हूँ. UPG भी कर सकता है, भवंस कर सकता है, देन यू हैव रुइया कॉलेज ऑल्सो. सो इफ यू गेट दिस 4 कॉलेजेस विद 88%, डेफिनेटली येस. रूपेश, आई हैव स्कोर्ड 64%, कैन आई गेट MMK कॉलेज? आई थिंक ये हमारा हो चुका है कॉमेंट्स, यू विल गेट. एंड क्रैक, जिसका लाइक यू नो क्रैक एज इन योर YouTube name, you have paid 40 rupees. Thank you for that first of all. How MET reply previous super chat? MET reply previous super chat. Okay, sorry. How is MET? MET college is decent, guys. It's a private college. MET ka market value bahut zyada gir gaya hai. So I would not recommend MET to anybody. Mumbai ka ho, chahe, you know, Delhi ka ho. Because MET बहुत ज़्यादा ऐड किया था, इट्स अ रिच यूनिवर्सिटी यू कैन से, बट राइट नाउ द मार्केट वैल्यू ऑफ MET इज नॉट दैट ग्रेट. सो यू नो रिस्क पे होगा, आई वुड से. क्रैक, आई डोंट नो योर नेम, बट या आई वुड से रिस्क पे होगा. बेटर यू गेट इन टू सम अदर कॉलेज विच इज एफिलिएटेड विद MU और HSNC और होमी बाबा. एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्सिटी का जो सर्टिफिकेशन है वो मैटर करता है कहीं ना कहीं. तो यस, सेंट जेवियर्स BA कट ऑफ एक्सपेक्टेशन, आई गॉट 88%. तेजस भगवत, इतने सारे इमोजीज पता नहीं क्या क्या लगाए हैं इसने, दिल लगाया और फिर कुछ तो लगाया. ओके, आई वुड सजेस्ट BA में हो सकता है. ये बार एवरेज परसेंटेज थोड़ा कम चल रहा है, कट ऑफ जेवियर्स का इट गोज अराउंड 85. सो तेजस, BA में तेरा काफ़ी ज़्यादा चांस है. कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द सेकेंड फ्रंट, यू गॉट 88, विच इज़ अ वेरी गुड परसेंटेज. सौरभ तिवारी, आई गॉट 69% से, तो क्या मुझे HR कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है फॉर BMS? सौरभ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है 69, बट ट्राई कर ले, बिकॉज HR में कैसे है कि डिवीजन ज़्यादा है, 5 डिवीजन है. 5 डिवीजन का मतलब आप समझ रहे हो, 5 मल्टीप्लाई बाय 60, दैट आर द नंबर ऑफ सीट. सो सौरभ तिवारी, आई वुड सजेस्ट कि अगर ड्रीम कॉलेज है तो प्लीज अप्लाई कर. ओके, वर्तिका मिश्रा, हे, होप यू डूइंग ग्रेट. हाउ मच टू एम इन मिनसेट विद गुजराती कोटा? इज 84 ISC गुड फॉर गेटिंग गुड BMM कॉलेज? सो वर्तिका मिश्रा, थैंक यू फॉर पेइंग 200, लाइक यू हैव पेड एंड योर कॉमेंट इज हाईलाइटेड. सी, वेन यू पे अ सुपर चैट, पे ऑन सुपर चैट, योर कॉमेंट इज हाईलाइटेड एंड दैट्स हाउ आई नो दैट यू हैव पेड. सो वर्तिका, रिप्लाइंग टू योर क्वेश्चन, 84% is really good. First of all, MINSET 120 marks का है, तुझे कहीं भी 90 above आता है, you have short chance to get into you know MITI-BHAI. And secondly, if you have Gujarati quota, I would say 80-85 above तो आराम से हो जाएगा. तो हम लोग जब दोनों का average निकालेंगे तो आपका percentage 85 होगा. So Vartika, yes,
इफ यू स्कोर 80 अबव कितना भी मिनसेट में देन यू हैव a high probability that you will get into this thing because 84 आपका जो percentage है ICS का आपका वो percentage count नहीं होगा. I'm really sorry. You have to score really good like 85 above in your CET MINSET because MINSET is not counting your board exam. So वो 85 नहीं count होगा. For Jai Hind and Xavier's you can see Gujarati quota के साथ 85 above works anywhere between 85 it is fine. Okay, Kalpesh, your question is, I have 82% in 12th. Will I get admission in St. Xavier's College in BA Economics? Kalpesh, you can try, I would suggest. Matlab, please form bhar de because 80 above is a very good percentage. It's like almost 90 last year ka. Kyunki ye bar offline ke wajah se bahut bachcho ko kam marks aaye. To Kalpesh, yes, aapka chances kaafi zyada hai. Apply karo. संगीता का क्वेश्चन है, मैम आई एम एक्सपेक्टिंग 85% इन सीबीएसई इन जनरल कैटेगरी, इज देयर एनी प्रैक्टिकल चांस ऑफ मी बीइंग सिलेक्टेड इन बीएमएस? ओके, 85 इन सीबीएसई जनरल कैटेगरी, यस संगीता आपके चांसेस तो हैं. एज आई सेड, सीबीएसई का एक अलग रिजर्वेशन है. सीबीएसई का जिस हिसाब का ये आएगा रिजल्ट आएगा उस पर कंप्लीटली डिपेंड करेगा. नाउ एचएससी का जब हम रिजल्ट देख रहे हैं या यूपी बोर्ड का, देन राजस्थान बोर्ड का, गुजरात बोर्ड का, द थिंग इज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर 75 to 85, 90 के आसपास. तो ये जो ब्रैकेट है ये काफ़ी अच्छा परसेंटेज है टू गेट टॉप 5 टॉप 10 कॉलेजेस. सो संगीता, यस अगर आप 85 लाते हो तो यू हैव अ लॉट ऑफ चांस. Avni, yes, you can apply with 81% in Ruya College. Why not? 80 above, I'm saying कि आप बंद करके top 5 colleges apply करो, आराम से हो जाएगा आप लोगों का. Okay, and जैसे मैंने promise किया था कि भाई HSC का आ जाने दो, अपने को पता चल जाएगा कि किसने भरा है. मतलब you know, sorry, I mean to say, like कौन से colleges entrance exam नहीं ले रहे हैं. And you have to now go and fill in your forms as soon as possible, जिनके results आ गए हैं. Okay, crack again. You have made a super chat ka use and you are saying I got 79.40, like 40. I'm saying 40. Yeah, 79.40 in BMS. Can you help me choose BMS without entrance exam? Crack. I would say why don't you try colleges? Please, aap list bana lo agar aapko chahiye to. And 79.40 is almost 80%. Like samajh lo, chalo 80% hum pakad ke chalte hain. In this, I would say HR to please dal do. Then you can also go with SIS Sion. Then you can go ahead with Podar College में भी apply कर सकते हो. And I would say Ruya for BMS also is really good. And then your LS Raheja College, Andrews College is also good. So crack, I would say ये जो हमने बनाया है ना list, ये वाला कर ले. And also if you want the list of the colleges, what we'll do is we'll try to make a post and put it across कि भाई इतने परसेंटेज में इतना कॉलेज तो फॉर श्योर मिल जाएगा. सो वेन यू टॉक अबाउट द कॉलेजेस विच इज रियली गुड फॉर बी एम एस इन द रेंज ऑफ 75 to 80 मार्क्स, आई वुड से रुइया को प्रेफरेंस दे दो. देन एच आर को तो आप प्रेफरेंस में रखो, लग गया तो नथिंग लाइक इट. दे हैव लॉट ऑफ व्हाट यू से लॉट ऑफ सीट्स विद देम. एच एस एन सी में 12th का मार्कशीट मांग रहे हैं, अभी तक नहीं मिली है मिठी बाई कॉलेज से. प्रणव, यू विल हैव टू वेट. मतलब पूरा जो तेरा ई शीट आ गया होगा ना, मतलब कि ऑनलाइन जो भी आपको मिल गया होगा, यू कैन फिल इन दोज थिंग, अदरवाइज वेट टिल द टाइम यू गेट योर मार्कशीट. लाइक ऑनलाइन आ गया होगा वही आपको भरना है. इफ आई डिडंट गेट कॉलेज इन फर्स्ट, ओके फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट, कैन आई एड न्यू कॉलेज? ऋषभ, येस आई एम गोना मेक अ फुल फ्लेज वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. कि आपको अगर आपने जो 10 प्रेफरेंस भरा है ना, वो आप कभी भी चेंज कर सकते हो. सेकेंड में भी चेंज कर सकते हो, थर्ड में भी चेंज कर सकते हो. राइट, यू कैन चेंज ना प्रेफरेंस लिस्ट, वी कैन चेंज राइट कॉलेजेस. ओके, सो ऋषभ, जस्ट आई मेक अ करेक्शन देयर कि जो आपका प्रेफरेंस लिस्ट है वो आप लाइक 15 भर दो, सो दैट यू कैन, आई थिंक यू कैन ऐड बट यू वोंट बी एबल टू चेंज द प्रेफरेंस लिस्ट. सो ऋषभ, सो सॉरी, आई जस्ट गॉट कन्फ्यूज विथ वन ऑफ द थिंग, बिकॉज 10th में वैसा आप कर सकते हो, लाइक 10th बोर्ड्स का. 12th का आप जब पूरा लिस्ट भर रहे हो उसमें व्हाट यू हैव टू डू इज
आप प्रेफरेंस वाइज 1 to 10 भर दो, ऐड कर सकते हो, आप वो प्रेफरेंस वाइज ऊपर नीचे नहीं कर पाओगे, दैट्स द ओनली यू नो इश्यू. ओके क्रैक, थैंक यू सो मच यार, दैट वाज सो जेनरस ऑफ यू. माय टीम जस्ट शोड मी दैट यू हैव पेड अ सुपर चैट ऑफ 200 rupees, एंड या यू आर मोस्ट वेलकम फॉर जूम सेशन. यू कैन एनी टाइम बुक इन एंड यू नो वी कैन सॉल्व ऑल योर वट एवर कन्फ्यूजन यू हैव, लाइक यू नो मेकिंग द लिस्ट ऑफ द कॉलेज एंड एवरीथिंग. ऑल्सो गाइज, एज यू नो दैट वी हेल्प यू गाइज फिलिंग अप योर फॉर्म्स, मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर्म्स. लाइक आई हैव अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक यू नो से द टीम ऑफ स्टूडेंट्स हु आर लाइक हेल्पिंग यू fill up all your forms and registering you in a Mumbai University. So there's a number that we have in our description box. You can just message us on that WhatsApp number if you need any assistance. Obviously it's a paid thing because we have people doing it for you, like working for your registrations and everything. Ma'am, is it possible to get HR college with 87%? Jisha, yes, I would say BAF or BMS, and aap do college bhar sakte ho, huh? Jisha, I would say you can fill in two forms. To BFM bhi BAF bhar rahe ho, to BMS bhi aap bhar sakte ho. Okay, Shivam Sharma, thank you for, you know, using super chat. You have paid 20 rupees. Your question, I don't know. Shivam, you have not asked any question, but you have made the payment. So please, if you want to ask anything, you can. Thank you so much. Daniel Khan, I think I've seen this name again with lot of emojis of siren and everything. Ma'am, CBSE exam still going on, result kab aayega? CBSE ka, okay, so for this I would say ki July mein hi aayega. Please wait, please do not panic. You will get second round from the Mumbai University, jahan pe aap log, like you know, jahan pe aap again apply kar sakte ho, like CBSE students can. Shivam, sorry. Okay Shivam, I think I got your question. I scored 86% in HSC for BA, BCom. Am I eligible in MITI-BY outsider? What is the previous year cutoff in MITI-BY? Shivam Sharma, last year ke isse mat compare kar, because last year bahut se bachcho ko 90s aaya tha. To cutoff 92 pe roka tha. Can you imagine for open category? So if you are an outsider, 86 is a very good percentage. BA, BCom dono hi tu MITI-BY mein apply kar sakta hai. Yes, you are eligible. So all the students out there, please do not compare last year ka aapka cutoff, because last year nahi exam hua tha. Aur itne sare bachche 96, 98, 97, they got percentage like anything. So let's not compare that. Hum ye saal ka compare karke chalte hain. So I am giving you an answer. Jahan pe, you know, I have seen ki bhai average itna percentage aaya bachcho ko, us hisab se colleges milenge. Saud, ma'am, I'm confused. Which college should I take? I got 85% in HSC. Which college I'll get? Lala Lajpat Rai or Hinduja for BMS? Which should I take? Saud, dono hi college decent hai. Matlab, dono hi college ka jo level hai, I would say Lala's is doing much better. Hinduja ka thoda sa level down hai because of lot of, what do you say, unki infra thodi dull si hai, then at the same time faculties ka thoda upar niche hai. So I would say dono hi theek hai, 85 is a good percentage. You can try better colleges, like you know, go for Raheja, go for RD National. RD National ka BMS theek hai, unka management bahut kharab hai to be honest. BMM is okay, lecture wise nahi, but event wise they are good, location wise they are good. So go for a better college. I would say that Lala's is good, Hinduja is again okay. So 85 is a very good percentage. Aryan, ma'am, UG admission kab tak chalega and first merit list kab tak aayegi? Aryan, first merit list July mein hi lag raha hai aayegi. The reason being, I'll tell you, ki abhi to colleges ke entrance bhi nahi khatam hue na. To entrance khatam ho jayenge, to first merit list approximately mujhe lag raha hai ki July tak aayegi. But agar uske pehle bhi koi list aati hai, I'll keep you guys posted, okay? Hobi Baba ki aa sakti hai, Sydenham wagera ki aa sakti hai. So that is one thing that I'll keep you guys posted, okay? But actual list aayegi July mein. So you have now more 20 days aaram se. Vidhi Shah, ma'am, I scored 73. Can I get in Ruya College for Arts? Vidhi, yes, there's a high chances that you will get. So apply kar, please. Shwadi, okay. Hi, those who are sending hi and hello, everybody. Hello. Okay, ma'am, can I get Jai Hind or KC with 75% for BMM? Dono ka nahi, Jai Hind ka entrance hai, so yes, I would suggest ke entrance de do, abhi bhi time hai. So I'll just, you know, remind you guys, the last date of entrance, abhi tak kisi ka form band nahi hua hai, sab forms khule hai,
Xavier's ka last date of your application is 18 June, Jaihin ka application is 15 June and your Sophia ka khatam ho chuka hai, entrance to aap nahi de sakte ho. Mitty Bhai ka is your 20th June. So abhi tak koi bhi entrance exam ka like registration band nahi hua hai. So please go and do that. Saurabh, you're most welcome, yeah. Okay, Khushi Sonavati. Okay, ma'am, 71% mein Jai Hind mein milega for BMS. Agar aapka entrance acha hoga, to milega. To 75 above aur 70 above wale sare hi attempt karo Jai Hind ke liye. Because aapka entrance aur aapka 12th ka mark 50-50% hai. Ye yaad rakhna, theek hai, calculation. अवनी का क्वेश्चन आ रहा है, मैम मुंबई यूनिवर्सिटी पर जाके अभी फॉर्म भर दे या सोफिया एंट्रेंस का रिजल्ट का वेट करे पहले? अवनी, ऑन योर कन्वीनियंस, कोई टेंशन नहीं है. आप कभी भी मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरो, जब तक खुला है कोई टेंशन नहीं है, आप कभी भी भर सकते हैं. एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर BMS एंड Xavier. संगीता, एज आई सेड कि ये साल थोड़ा रुक जाओ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहीं भी 80% के ऊपर है तो शॉर्ट शॉर्ट होने का चांसेस है, बिकॉज ये बार परसेंटेज जो है थोड़ा, एज आई टोल्ड यू. चैताली, यस 69 में विल्सन मिल जाएगा BMS, ट्राई कर, बिकॉज यू हैव रिजर्वेशन ऑल्सो ना, सो देयर इज अ हाई चांस. मैम डॉन बॉस्को कॉलेज गुड फॉर BMM एंड व्हाट्स द कट ऑफ देयर? Vinaya, yes, you can try. There is no cut-off system in Don Bosco College. It works like they have an interview round. So if you clear an interview round, interview and entrance exam. So base level hai aapko college ya to online form bharna hai. Then they call you for interview and a written test. Uske baad decide hota. So there is no cut-off basis. So as I said, guys, there are a lot of things that is possible. If you want to study in Mumbai, I'm here to help you, because there are colleges without entrance, there are colleges without marks and entrance also. वो लोग अपने हिसाब से admission लेते हैं. So don't worry, we have all the possibility. Hello Didi, मैं फिर भी आ गया, clumsy guy. Okay, मैं फिर आ गया. CBSE 12th result की news भी दिया करो. Okay, clumsy guy, CBSE अभी तो खत्म हुआ है यार, एक महीने तो minimum लगेंगे उसके result आने को. So July 1st, 2nd week के लगभग आएगा, तो जैसे ही आता है या कुछ भी announcement आता है, then yes, we can. Okay. मैम आई एम अ गैप ईयर स्टूडेंट एंड वॉज रजिस्टर्ड प्रीवियस एंड नाउ दैट PRN नंबर वाला ब्लॉक इज नॉट शोइंग ऑन मुंबई यूनिवर्सिटी साइट. सो जानवी, आई वॉन्ट टू से कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो गया, प्लीज रजिस्टर मत कर, OTP फॉरगॉट OTP कर, एंड देन वंस यू गेट एन OTP जस्ट लॉग इन. सो यू डोंट नीड टू री रजिस्टर. गाइस, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो इन डिटेल, कि अगर आपने ऑलरेडी मुंबई यूनिवर्सिटी पे रजिस्टर किया है तो आपको रजिस्टर फिर से करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, सो जस्ट यूज योर PNR, लाइक यू नो जो पहला नंबर है लॉग इन वाला, और OTP जनरेट करो और वहीं पे से लॉग इन शुरू करो. SIS नेहरू 70 में होगा क्या? वैष्णवी, दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब एकदम शॉर्टकट में येस होगा, चांसेस है, क्योंकि SIS नेहरू कैसे है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे देता है एडमिशन, तो ट्राई करो, हो जाएगा. व्हाट विल बी द मिनिमम परसेंटेज टू गेट इन Xavier's? पॉप म्यूजिक टावर, आई वुड से मिनिमम परसेंटेज, अगर तेरा 75 अबव आया है तो प्लीज ट्राई कर, एंट्रेंस एग्जाम है वो देना पड़ेगा. 75 अबव आई वुड से कि प्लीज ट्राई करो जितने भी है. मैम आई गॉट 78.67 इन HSC, विल आई गेट पोदार, जय हिंद, HR, रूपारेल? यस, 78 अगेन वेरी गुड परसेंटेज, फर्स्ट सेकेंड नहीं तो थर्ड लिस्ट में आ जाएगा. सी, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे कि पता नहीं कौन सी गारंटी दे रही हूँ, बट येस, यू नो फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स आई हैव सीन दिस होल थिंग हाउ इट फंक्शंस. तो एवरेज थर्ड लिस्ट में आ जाता है आपका, यू नो, विद दिस परसेंटेज. मैम शुड आई वेट फॉर CBSE रिजल्ट बिफोर अप्लाइंग? येस, यू मतलब यू कैन वेट और एल्स यू कैन अप्लाई, बिकॉज वो बिना रिजल्ट के आपको प्रोसीड नहीं करने देगा. तो दिस इज स्ट्रॉनमी जॉर्डन, आपको प्रोसीड नहीं करने देगा, तो आप वेट कर सकते हो. एज आई सेड, CBSE को वापस चांस मिलेगा. सुजल, ओके, सुजल ने भी सुपर चैट यूज किया है, बट सुजल आपका क्वेश्चन नहीं मिला है मुझे. आई जस्ट चेक वॉट इज द क्वेश्चन, बिकॉज आई कैन सी योर सुपर चैट इज बींग यूज बाई यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आई एंड द लाइव इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स, 30 मिनट्स का लाइव हम करेंगे, एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, डू यू नीड लाइक
live almost daily because alternate day to I'm coming to give you all the updates and everything. Comment box mein please likh do kitne percentage aaye wagera wagera. So kya hoga, all of you will know ki average percentage kya aapne mere inbox mein likha hai. Let me have a poll on Instagram and YouTube both ki kis tarike se kya chal raha hai. And yes, the rest of the things you are posted on YouTube with the videos. As you know, two videos step by step form filling jo Mumbai University ka registration hai wo video sham ko aa jayega, okay? So those who are asking that question, that तो I'm like भाई ये वाला तो आपको मैं दे दूँगी. KES college और ठाकुर college कैसा है? They are decent colleges, Mr. Meemer. I would say देखो उनकी faculty अच्छी नहीं, guys. I would like to you know take this live opportunity and say कि boss आजकल colleges में बहुत ज़्यादा एक ही problem चल रही है कि अच्छी faculties नहीं है. Because क्या हो गया है, market जो है बहुत ज़्यादा evolve हो गया है, generation change हो गई है, डिजिटली बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हो गया है, स्टॉक मार्केट में, BMS में, जैसे होता है ना सब्जेक्ट्स वगैरह, एंड टीचर्स हमारी घिसी पिटी पुराने वाले हैं जिन्होंने कभी ये सब चीज़ें की नहीं है. तो व्हाट हैपेंस कि जो कॉलेजेस अपने टीचर्स या फैकल्टीज को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, वो कॉलेजेस का एजुकेशन वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरते जा रहा है, बिकॉज वो आपको बुकिश नॉलेज देते हैं जो कि रेलेवेंट भी नहीं है, एंड दैट्स वेयर यू नो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज कमिंग इन. ओके, वैष्णवी मलसुरे, 70 में पोदार होगा क्या? डिपेंड ऑन विच कोर्स. हाँ वैष्णवी, कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज वहाँ का BMS और BCOM का हाई कट ऑफ जाता है, बाकी का कट ऑफ थोड़ा आगे पीछे हो सकता है. ओके गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन लाइव. आई विल कम ऑन से, अगर संडे थोड़ा मुश्किल है, ये बार संडे नहीं, आई वोंट बी एबल टू डू लाइव, बट टुमारो अगर पॉसिबल हुआ तो पक्के से, नहीं तो मंडे वी आर मीटिंग live, and you know again I'll help you sort out all your questions whatever you have. And yeah, Sydenham College, can kisi college, okay. Bharat ki baat, okay. Last question of yours, yes, Sydenham College mein hone ka chances hai 60-65% mein. MKC mein bhi ho sakta hai, Hinduja bhi decent hai, so with the percentage of 60-65 you can make an attempt, I'm not sure. But yeah, I will for sure try my best कि आपको मैं updated रखूँ कि इस like you know किस तरीके के percentage वाले apply कर रहे हैं in particular colleges. Okay, thank you Avni, you know finger crossed, soon to be 40K channel. Thank you for all the love and support guys, do share my videos, and yes, it hope it is helpful to most of the people that you know whatever information I'm trying to give. Okay, a BAF, साई नंदन पाटिल, बैफ का टॉप 10 कॉलेजेस का लिस्ट है, प्लीज देख ले, 80 कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉट अ वेरी गुड परसेंटेज, तो मिलने का चांसेस है, टॉप 5 टॉप 6 कॉलेजेस में तो मिल ही जाएगा. ओके गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन लाइव, एंड आई विल सी यू सून, कल आफ्टरनून मिलते हैं, नहीं तो मंडे 3 o'clock फॉर श्योर, एंड ऑल द बेस्ट बाय देन. प्लीज फिल इन योर फॉर्म्स, प्लीज डू नॉट पैनिक, अपने पास बहुत टाइम है फॉर्म्स भरने के लिए, अभी एंट्रेंस ही नहीं खत्म हुआ है, CBSE का कुछ भी नहीं आया, तो फर्स्ट आपका जो यू नो फर्स्ट लिस्ट आएगा वो जुलाई में आएगा, ठीक है? तो चिल मारो, प्लीज 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 डू नॉट पैनिक, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हैव क्लियर योर HSE, प्लीज गो, अभी दो दिन पार्टी करो, ओके, डोंट बी स्ट्रेस्ड आउट. फॉर्म भरने का प्रोसेस एंड एवरीथिंग फॉलो माई चैनल, आराम से अपडेट मिल जाएगा. मी एंड माई टीम रियली स्ट्रगलिंग हार्ड टू गिव यू ऑल द अपडेट, यू नो हैट्स ऑफ टू 3-4 पीपल आई हैव, आई विल इंट्रोड्यूस यू नो देम टू यू गाइस सून. They are like really working hard, checking all the websites every day, giving you update ki boss ye ho raha hai, ye nahi, making the post. So yes, thank you for all your support and love guys, keep supporting, and you know take care of yourself, and I'll see you guys soon.